यूपी के फतेहपुर जिले के जीटी रोड स्थित गुरु पैलेस होटल में सफराफा व्यापारियों ने प्रदेश स्तरीय बैठक करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम और साइबर क्राइम जैसे विषय पर जागरूकता स्तरीय और सर्राफा व्यापारियों के साथ लूट की घटनाओं के खुलासे और उनकी सुरक्षा को लेकर के चर्चा कर प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर व्यापारी साथियों को व्यापक सुरक्षा का माहौल दिलाने का काम करना इस पर चर्चा किया गया। आपको बता दें कि खासकर फतेहपुर में सुरक्षा व्यापारियों के साथ हुई लूट की घटनाओं को देखते हुए सर्राफा बाजार में पुलिस पिकेट लगाए जाने की मांग को पूरी किया जाए, अन्यथा इस स्थिति में व्यापार आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जी मैं ललित वोरा कानपुर विंग यूपीएसए का अध्यक्ष यहाँ आज फतेहपुर सर्राफा कमेटी की मीटिंग में आया हूँ। इसके मेरा आने का हम लोगों का आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार के द्वारा तमाम नए कानून हमारे व्यवसाय के ऊपर लगाए गए उनके बारे में जानकारी अवगत कराना के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि एक PMLA एक्ट है, साइबर क्राइम हमारे ट्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमने अपने सर्राफा व्यापारी बंधुओं को दी है और इन लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस दिया है। जैसा कि सर्राफा व्यवसायियों के ऊपर बहुत सारे तमाम कांड हो चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या व्यवस्थाएं आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पिछले हफ्ते ही हमारे उत्तर प्रदेश सर्राफा के अध्यक्ष श्री आदरणीय महेश चंद जैन जी DGP लखनऊ में जाके मुलाकात की, उनसे पूरा आश्वासन मिला और उन्होंने कहा कि हर मार्केट के अंदर हम लोग पिकेट सिक्योरिटी की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और आगे से घटना ऐसी न हो, इसके बारे में हम लोगों को खुलासा दिया। इसमें क्या निर्णय लिए गए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए? और दूसरा क्या है कि अभी एक कांड हुआ था चौक बाजार में, जो कि महिला ने जेवरात को चुराए थे, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे जिस तरह से मतलब यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, और आज तक जितने भी सर्राफा व्यवसायियों के साथ घटना हुई, आज तक एक भी घटना का खुलासा नहीं हुआ, जिससे हमारा व्यापारी डरा हुआ भी है और जितना सहमा हुआ है, मगर कोई भी उससे नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों को कप्तान साहब ने जो आश्वासन दिया है, लेकिन अभी उसका कोई वो नहीं दिखता है। जैसे उन्होंने CO साहब ने उस दिन क्वालिटी के लिए कहा था, लेकिन आज तक कोई भी टीम नहीं लगाई गई, जिसका हमने आज फोन भी किया था। अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए हम फिर से बात करेंगे, लेकिन हम अपने व्यवसायियों की सुरक्षा के प्रति कोई भी खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज किस प्रकार की बैठक हुई और क्या निर्णय लिए? आज ये उसी प्रकार की बैठक हुई जो हमारी PMLA और मेन सुरक्षा को लेके हुई है, जिससे हमारे कानपुर विंग के सारे अधिकारी आए हुए थे, जिससे हमारी बात हुई। अगर जैसे इसमें नहीं होता है कोई भी खुलासा, तो इसमें बड़ा एक आंदोलन होगा, जिसमें हम लोगों की शिरकत हुई है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग एक बड़े आंदोलन पर जाएंगे। जी, आपका परिचय? मैं ललित वोरा कानपुर विंग UPSA का अध्यक्ष यहाँ आज फतेहपुर सर्राफा कमेटी की मीटिंग में आया हूँ। इसके मेरा आने का हम लोगों का आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार के द्वारा तमाम नए कानून हमारे व्यवसाय के ऊपर लगाए गए, उनके बारे में जानकारी अवगत कराना के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि एक PMLA एक्ट है, साइबर क्राइम हमारे ट्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमने अपने सर्राफा व्यापारी बंधुओं को दी है और इन लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस दिया है। जैसा कि सर्राफा व्यवसायियों के ऊपर बहुत सारे तमाम कांड हो चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या व्यवस्थाएँ आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पिछले हफ्ते ही हमारे उत्तर प्रदेश सर्राफा के अध्यक्ष श्री आदरणीय महेश चंद जैन जी DGP लखनऊ में जाके मुलाकात की, उनसे पूरा आश्वासन मिला और उन्होंने कहा कि हर मार्केट के अंदर हम लोग पिकेट सिक्योरिटी की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और आगे से घटना ऐसी न हो, उसके बारे में हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया। की एक बैठक हुई, इसमें क्या निर्णय लिए गए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए? और दूसरा क्या है कि अभी एक कांड हुआ था चौक बाजार में, जो कि महिला ने जेवरात को चुराए थे, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे जिस तरह से मतलब यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, और आज तक जितने भी सर्राफा व्यवसायियों के साथ घटना हुई, आज तक एक भी घटना का खुलासा नहीं हुआ,
जिससे हमारा व्यापारी डरा हुआ भी है और जितना सहमा हुआ है, मगर कोई भी उससे नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों को कप्तान साहब ने जो आश्वासन दिया है, लेकिन अभी उसका कोई वो नहीं दिखता है। जैसे उन्होंने सीओ साहब ने उस दिन क्वालिटी के लिए कहा था, लेकिन आज तक कोई भी टीम नहीं लगाई गई, जिसका हमने आज फ़ोन भी किया था। अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए हम फिर से बात करेंगे, लेकिन हम अपने व्यवसायियों की सुरक्षा के प्रति कोई भी खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज किस प्रकार की बैठक हुई और क्या निर्णय लिए गए? आज ये उसी प्रकार की बैठक हुई जो हमारी पीएमएलए और मेन सुरक्षा को लेके हुई है, जिससे हमारे कानपुर विंग के सारे अधिकारी आए हुए थे, जिससे हमारी बात हुई है। अगर जैसे इसमें नहीं होता है कोई भी खुलासा, तो इसमें बड़ा एक आंदोलन होगा, जिसमें हम लोगों की शिरकत हुई है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग एक बड़े आंदोलन पे जाएंगे। जी, आपका परिचय? हमारा, मैं पप्पन रस्तोगी सराफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 4-5 वर्ष पूर्व हम लोग एक फतेहपुर सराफा कमेटी में संगठन के संयोजक बनने के बाद हम लोग अध्यक्ष महोदय और मुन्ना मिश्रा सभी लोगों के संग में आए थे। और 4 साल आप कहते हम लोग अपने सोच रहे हैं कि हम अपने घर पे एक आया बहुत एक सुखद अनुभव एक प्रतीत हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी फतेहपुर सराफा एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जैसे आप लोगों ने अब बहुत समय बाद ये हम लोग सनातन व्यवसायियों के लिए एक अच्छा अवसर आया। पिछले साल 14-15 के बाद से 5-7-8 साल से हम लोग के व्यापार में बहुत ही प्रतिकूल समय था। इतना सनातन पे टैक्सेशन थे, उससे बहुत ही प्रतिकूल समय था। पर विगत वर्ष के बजट में हमारी सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश सनातन एसोसिएशन के अंदर महेश जैन जी के सतत प्रयासों के कारण गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोने और चांदी पर जेवरों पे जो कस्टम ड्यूटी का इतना जो डिफरेंस था, 15% कस्टम ड्यूटी थी, 3% जीएसटी था, 18% का टैक्स लगता था, 6% का कस्टम ड्यूटी थी। हम लोग को व्यापार करने में जितने व्यापारी लोग हैं, चाहे होलसेलर हो या रिटेलर हो, हम लोग के अलग अलग भाव चलते थे, जिसके कारण इतना प्रतिकूल व्यापार का समय था कि व्यापार करना बहुत ही मुश्किल होता। पर हम लोगों को ये अवसर मिला है कि हम लोग को व्यापार को अपने सही ढंग से कानून, सरकारी कानूनों को मानते हुए काम व्यवसाय को किया चला जाए। और इसका अब पीएमएलए की ये जो बातचीत हो रही है, इस विषय में हम लोग उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी लोग हमेशा इस संदर्भ में अधिकारियों से कई बार मीटिंग हुई। पिछले 2005 में भी एक बंबई में मीटिंग हुई थी, तब भी उन्होंने सरकार ने कहा था कि ये नियम आप लोगों पर लागू नहीं होगा। कई बार बातचीत हुई, अधिकारी बोले ये नियम आपको पर लागू नहीं, पर अभी इसको 2-3 साल पहले इसको नोटिफाइड कर दिया गया कि इसको कानून आप लोगों के ऊपर, रियल सेक्टर के ऊपर और ज्वेलर के ऊपर, बुलियन वालों के ऊपर ये नियम लागू होंगे। इसमें समस्याएं तो है, पर इसे घबराने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून को लाया है। इसमें अपनी जो हम लोग बिक्री करेंगे